YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। पलामू जिले के युवा कांग्रेस जनों ने भारतीय राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस का 59वां स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया। बतौर मुख्य अतिथि कांग्रेस पार्टी के पलामू जिलाध्यक्ष जयस रंजन पाठक की उपस्थिति में युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजेश चौरसिया ने झंडोत्तोलन कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष श्री पाठक ने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देश व पार्टी हित में कार्य करने के लिए शपथ दिलाई। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करने में जुटी हुई है, जिनके सहयोग से पूरा विश्वास है कि अगली चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार ही बनेगी। गुरुवार को ही भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ भी मनाई गई, जिसके तहत युवा कांग्रेस जनों द्वारा गांधी संदेश यात्रा निकाली गई। मौके पर युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि युवा कांग्रेस अपने स्थापना दिवस के अवसर पर सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत के संविधान की रक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव के मूल्यों को आत्मसात कर देश में फैल रही नफरत के खिलाफ लड़ने का पुनः संकल्प लेती है। आज भारतीय युवा कांग्रेस अपना 59वां स्थापना दिवस मना रही है और इस स्थापना दिवस पर युवा कांग्रेस एक कार्यक्रम चला रही है, नफरत छोड़ो, जो कि महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज किया था। आज हम लोग सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर उन संविधान को बचाते हुए आत्मसात नमन करते हैं और इस गांधी जी की यात्रा के साथ हम लोग नफरत छोड़ो आंदोलन, जो कि साबरमती से लेकर के हमारे 15 अगस्त को दिल्ली राजघाट पर समाप्त होगी, इसके साथ ही आज युवा कांग्रेस का स्थापना दिवस। पलामू जिला यूथ कांग्रेस के द्वारा स्थानीय कांग्रेस भवन में कांग्रेस युवा कांग्रेस कमेटी के स्थापना दिवस समारोह के उपस्थित में हम लोग आज झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किए और युवा कांग्रेस का विचार, कांग्रेस पार्टी का विचार और सबके बीच में एक हम लोग संकल्प लिए कि कांग्रेस पार्टी का विचार, कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत को अपनाते हुए कार्य करना है आम लोगों के लिए। ये सब को करके आज हम लोग युवा कांग्रेस का स्थापना दिवस